और हिसार से बीजेपी प्रत्याशी हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के इस्तीफे से जुड़ी खबर को लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को चौधरी रणजीत सिंह दोबारा आएंगे, उनको दोबारा बुलाया गया है, व्यक्तिगत कारणों से आज नहीं आए थे क्योंकि उनको स्पष्टीकरण देना है, स्पीकर के सामने खुद पेश होकर अपने इस्तीफे को लेकर। उन्होंने इस्तीफे को लेकर पत्र तो भेजा है लेकिन स्पीकर ने उनको अपने सामने बुलाया है। चौधरी रणजीत सिंह ने मैसेंजर्स के जरिए इस्तीफा भेजा था। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह। उन्होंने मुझे फोन के द्वारा सूचित किया है कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से आज वो यहाँ पर हाजिर नहीं हो सकते और कोई अगली तारीख उसके लिए उन्हें दी जाए, कोई समय दिया जाए। तो मैंने निर्णय किया कि 30 अप्रैल को उनको दोबारा से विधानसभा के अंदर यहाँ आकर के अपना स्पष्टीकरण देना होगा ताकि उसके ऊपर हम कोई निर्णय कर सकें। अगले 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे उनको यहाँ आने के लिए हम पत्र लिख रहे हैं ताकि वो व्यक्तिगत रूप से आकर के अपना स्पष्टीकरण दे सके। सर, फोन पे बातचीत काफी नहीं होती, व्यक्तिगत आना होता है? नहीं, वो उसके लिए जो उनके सिग्नेचर हैं उसकी वेरिफिकेशन की भी जरूरत रहती है, तो व्यक्तिगत रूप से ही हाजिर होकर के वो सामने साइन कर सकते हैं।